हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अमावली व सिलोया गांव में एक मंदिर, दो घर समेत तीन जगह चोरी की हुई वारदात। नकदी सोना चांदी के आभूषण समेत करीब 27 लाख रुपए की चोरी होना पाया गया है। सूचना पर कालंद्री पुलिस मौके पर पहुंची है। वलादरा कालंद्री पुलिस थाना क्षेत्र के सिलोया व मामावली गांव में लगातार हो रही चोरी की वारदात से ग्रामीणों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। गुरुवार मध्य रात्रि अज्ञात चोरों ने सिलोया गाँव में मोरिया बाबा मंदिर व मामावली गाँव में प्रकाश केसाराम राजपुरोहित व साथ लाला राम रूपाराम राजपुरोहित के घर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। सुबह जो ही घर के ताले टूटने और चोरी की वारदात खबर ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी तथा पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना शुरू किया। शुक्रवार सुबह प्रकाश केसाराम राजपुरोहित व लाला स्वरूप राम राजपुरोहित के देसावर से घर आने पर घर के ताले और अलमारी पेटी के ताले टूटे हुए मिले। प्रारंभिक जांच करने पर बड़ा नुकसान होना पाया गया है। इस दौरान कालंद्री थाना अधिकारी गरी मोहम्मद जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे, फिंगरप्रिंट समेत साक्ष्य जुटाए गए। प्रकाश केसाराम राजपुरोहित ने बताया कि उनके घर से करीब 25 तोला सोना, 5 किलो चांदी, 20,000 नगद समेत घरेलू सामान अज्ञात चोरों ने चुरा लिया और घर में पूरी पड़ताल होने के बाद ही आगे के नुकसान का पता चल पाएगा। प्रारंभिक आकलन पता करने पर करीब 25 लाख रुपए का नुकसान होना बताया गया है। वहीं लालाराम स्वरूपाराम राम राजपुरोहित ने बताया कि उनके घर पे भी अलमारी और पेटी के ताले तोड़े गए जिसमें तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान होना पाया गया है। करीब 45,000 रुपए की नकदी, 1 सोने की चेन व 1 किलो चांदी चोरी हो गई है। सिलोया गांव स्थित मोरिया बाबा मंदिर में भी चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भवानीगिरी महाराज ने बताया कि 30,000 रुपए अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। कालंद्री पुलिस थाना अधिकारी गरी मोहम्मद के नेतृत्व में अलग अलग टीम बनाकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सिलोया गांव में 15-20 दिन पहले भी हो चुकी है चोरी की वारदात। सिलोया गांव के ग्रामीणों ने बताया कि करीब 15-20 दिन पहले भी उनके गांव में दो जगह चोरी की वारदात हुई है। गांव के ही बबूताराम पुरोहित के घर से 1 लाख रुपए की चोरी, सोने चांदी के आभूषण व नारायण सिंह झाला के घर से भी घरेलू सामान चोरी हुआ है जिसकी रिपोर्ट कालंद्री पुलिस थाने में दर्ज है। बबूताराम पुरोहित के घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी व आभूषण चोरी हो चुके हैं। करीब 12 महीने पहले सिलोया व मामावली गांव में आधा दर्जन घरों में और मंदिरों में सिलसिलेवार चोरी की वारदात हो चुकी है जिसकी भी कालंद्री थाने में रिपोर्ट दर्ज है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार चोरियों होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। लोगों ने इस संदर्भ में उच्च अधिकारियों से बात कर चोरों को जल्द पकड़ने की मांग की है। दोनों गाँव में लगातार चोरी की वारदात होने से आमजन परेशान है और डर और भय का माहौल बना हुआ है। लोग रात रात भर जाग कर रात काट रहे हैं। लोगों में चोरी होने से आमजन में डर है। उन्होंने जल्द चोरी का राज खोलने से पुलिस प्रशासन से मांग की है। साथ ही लोगों ने बताया है कि सिलोया और मामावली गांव में चोरी की वारदात होने के बावजूद भी चोरी का राज फाश न होना बेहद ही दुखद है जिससे अज्ञात चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आमजन में डर और भय का माहौल बना हुआ है। पिछले साल भी सिलोया मामावली गांव में आधा दर्जन गांव में चोरी की वारदात हुई है। सिलोया गांव के नारायण सिंह झाला के मकान में 20 दिन पहले भी चोरी की वारदात हुई और एक साल पहले भी चोरी की वारदात हो चुकी है लेकिन अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। लोगों ने चोरी की वारदात का जल्द राज फाश करने की पुलिस से मांग की है। जागरूक टीवी के लिए वल्दरा से सुरेश जुगनू की रिपोर्ट।